हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई कमेंट है या कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं, प्रोग्राम देखते हैं फाइल ओपन और क्लोज, ठीक है, जिससे हमें और अच्छे से समझ नहीं आएगा फाइल ओपन किस प्रकार करते हैं और क्लोज किस करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने फाइल के हैंडलिंग के बारे में जाना है, ठीक है, मैंने उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, फिर मैंने फाइल ओपन और क्लोजिंग का मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं प्रोग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा stdio.h एक हेडर फाइल, लेकिन ये इसी के अंदर हम फाइल के जो भी आपके फंक्शन होते हैं इसमें इसके अंदर इनबिल्ट रहते हैं, ठीक है, तो आप इनका भी इसी के द्वारा यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, फिर मैंने वॉइड मेन लिखा, एक मैंने यहाँ पर फाइल टाइप का एक डेटा टाइप दिया है जिसमें फाइल टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइल पॉइंटर हमारा क्या करेगा, जो कि हमारे किसी पूरे प्रोग्राम में जो कंट्रोल रहता है, इसी आपका ये समझ सकते हैं फाइल पॉइंटर का रहता है, जो फाइल पॉइंटर का वेरिएबल है उसी से प्रोग्राम से हम इसी के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, यही हमारा मेन की है, तो इसका होना जरूरी है। तो फाइल को जब भी लिखना हो तो आपको कैपिटल में लिखना होगा फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, फिर मैंने कैर लिया, ठीक है, आप चाहे तो नहीं ले सकते, फिलहाल मैं इसमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं ओपन और क्लोज के बारे में प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर एफपी लिया, एफपी जो हमारा जो फाइल पॉइंटर है, ठीक है, एफ ओपन जो हमारा इसके तरीके से कुछ सिंटेक्स रहेगा, फिर मैंने जो जिस टाइप में आपको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो मैं लर्न डॉट टेक्स्ट लिखा है, ये डब्लू मोड, तो इसको आपको इन दोनों से डबल कोट्स के अंदर लिखना, डब्लू को सिंगल है, इसको भी डबल में लिखना, ये आप यहाँ पे कोई हमारा कैरेक्टर नहीं है, ये एक मोड है जिससे ये बताता है। डब्लू मोड आपको क्या बताता है, इंडिकेट करता है कि हम एक न्यू क्रिएट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्रिएट फाइल करनी हो, ठीक है, पहली बार, तो उसके लिए आपको डब्लू का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर कोई वही फाइल को उसे पॉइंटर क्या करेगा, हमारे जिस तरीके से कोई हमारी कोई फाइल क्रिएट हुई होगी, ठीक है, तो मान लीजिए उसका जो फर्स्ट लेटर जो इंडिकेट करता है ना, तो एफ पी के पास जाता है, इसके द्वारा वो आपको उस फाइल तक एक्सेस कराता है। तो हमारा पॉइंटर, ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा, आपको ये प्रोग्राम में जो भी आप सिंटैक्स यूज करेंगे इसके और आप राइटिंग लिखने के लिए फाइल पर, तो इन सब के ये एफ पी वर्क करेगा, उधर एफ पी का ही प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें फाइल को क्लोज करना है तो एफ पी लगाइए, इसके बीच में जो फाइल पॉइंटर वो लगाइए, ठीक है, और वो क्लोज कर देगा फाइल को, ठीक है, क्योंकि हमने क्रिएट करी, अब उसको बंद भी करना जरूरी है, तो इसलिए उसको हम इस तरीके से क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। दूसरा तरीका और देखिए, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये तो पहला मोड हो गया डब्ल्यू, ठीक है। अब दूसरा हमारा मोड है आर मोड। आर मोड क्या होता है, अगर यहाँ पे आप आर लिखेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारी फाइल किस तरीके से खोले, अगर कोई मान लिया एग्जिट को भी, अब आर का मतलब रीड है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रीड कर जब भी हम कर सकते हैं, जो हमारी कोई फाइल बनी होगी, ठीक है, तब जो कोई हमने एक फाइल बना रखी है, ठीक, तो उसको रीड करने के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ए स्मॉल में, ठीक है, आर भी स्मॉल में, ए भी स्मॉल, इसी तरीके से लिखना है डबल कोट्स के बीच, ठीक है। ए अगर लिखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपकी कोई भी फाइल आपने जो क्रिएट करी उसको आप एड अपेंड कर सकते हैं, उसमें और भी कुछ एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं। फिर हमारा होता है डब्ल्यू प्लस मोड, तो फ्रेंड्स ये डब्ल्यू प्लस मोड हमारा किस लिए होता है, ये आपका करेगा आपका क्रिएट फाइल प्लस आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है आपका रीड प्लस आर प्लस, यानी तो ये क्या करेगा फ्रेंड, आपका जब आर प्लस लिखेंगे तो ये हमारा क्या काम करेगा, रीड भी करेगा और साथ साथ में आपका फ्रेंड्स ये हमारा आर प्लस हमारा काम करेगा रीड प्लस, आपको जो डाटा आप जो आपने जो फाइल में लिखा है, ठीक है, ये याद रखना कि आर प्लस हमारा कोई एग्जिट फाइल में ही प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है, तो उसको आपको डाटा को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते, ठीक है। सेम ए प्लस, तो ये क्या करेगा फ्रेंड, अपेंड करेगा, ठीक है, अपेंड करेगा और उसके साथ आप रीड भी कर सकते, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ नहीं आया होगा तो किस तरीके से, अब इन सब का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हम फाइल में हम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब हमने फाइल तो बनाना सीख लिया, फाइल क्रिएट करना सीख लिया, यहाँ पर फाइल में लिखने के लिए किस तरीके से प्रयोग करना है, फाइल को रीड करने के लिए किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, तो किस तरीके कौन से फंक्शन है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है।